स्वागत है आपका हमारे गवर्नमेंट टोट एग्जाम पर। इस वीडियो में हम हिंदी का टॉपिक 3 तत्सम एवं तद्भव के बारे में बताएंगे। तत्सम तत् प्लस सम उसके समान। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया गया है, जैसे खीर का तत्सम शब्द है, हरिद्रा हल्दी का तत्सम शब्द है। हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंहल आदि में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे ले लिए गए हैं, क्योंकि ये सभी भाषाएं संस्कृत से ही जन्मी हैं। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। भारतीय भाषाओं में तत्सम और तद्भव शब्दों का बाहुल्य है। इसके अलावा इन भाषाओं के कुछ शब्द देश और अन्य कुछ विदेशी हैं। तद्भव संस्कृत के जो शब्द अप्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हुए तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि का तद्भव शब्द आग, पुष्प का तद्भव शब्द फूल, चतुर्थ का तद्भव शब्द चौथा आदि। तद्भव हिंदी की एक पत्रिका है। ये पत्रिका हर बार आधुनिक रचनाशीलता पर केंद्रित एक विशिष्ट संचयन होती है तथा विशुद्ध साहित्यिक सामग्रियों को प्रकाशन में महत्व देती है। ये हिंदी में प्रयुक्त हुए शब्द हैं जिनका जन्म संस्कृत या प्राकृत में हुआ था, लेकिन उनमें काफ़ी ऐतिहासिक बदलाव आया है। अब तत्सम तद्भव शब्दों के पहचानने के नियम देख लेते हैं। तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ड का प्रयोग होता है तो वह या तो खा या छा में चेंज हो जाता है तद्भव शब्द में। जैसे कुछी का तद्भव शब्द कोक, बिच्छुक का तद्भव शब्द भिखारी। अगला, तत्सम शब्दों में श्रा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। जैसे आश्रय तत्सम शब्द, इसका तद्भव शब्द आसरा। अगला, तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग हो जाता है। जैसे आशीष, इसका तद्भव शब्द आशीष। अगला, तत्सम शब्दों में सा वर्ड का प्रयोग होता है। जैसे ऊट के तत्सम शब्द में उष्ट, अंगूठा के तत्सम शब्द में अंगुष्ट। यहाँ सा का यूज हुआ है। अगला, तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का भी प्रयोग होता है। जैसे घी के तत्सम शब्द में घृत, किसान के तत्सम शब्द में कृषक। अगला, तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का भी प्रयोग होता है। जैसे अर्ध, आधा का तत्सम शब्द अनार। यहाँ आधे रा का यूज हुआ है, अनारी का तत्सम शब्द है। अगला, तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है। जैसे दूरवा, दूप का तत्सम शब्द है चवर, चवाना का तत्सम शब्द है। अब नंबरों के तत्सम शब्द को तद्भव शब्द में इस तरह बदलते हैं। जैसे 163, इसको लिखेंगे 131। 144, इसको लिखेंगे 41। 160, इसको लिखेंगे 61। 120, इसको लिखेंगे 21। अगला, अगर तद्भव शब्द में ठा यूज हुआ है तो इसका तत्सम शब्द में आधा, सा और ठा इस तरह तत्सम शब्द में यूज होगा। जैसे अंगुष्ठ, ये तत्सम शब्द है अंगूठा का। अष्टादश, अठारह का ये तत्सम शब्द है।
कास्ट कार्ड का तत्सम शब्द है। ज्येष्ठ ज्येष्ठ का तद्भव शब्द जेठ है। तो ये थे तत्सम एवं तद्भव को पहचानने के नियम। सीधी सिंपल भाषा में कहा जाए तो तत्सम शब्द वो हैं जिनको हम व्यवहारिक जीवन में यूज नहीं करते हैं, और तद्भव शब्द वे हैं जो हम व्यवहारिक जीवन में यूज करते हैं। ऐसे ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो हम व्यवहारिक जीवन में यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए तो सांप को हम व्यवहारिक जीवन में बोलते हैं, चिन्ह को भी बोलते हैं, वीणा को भी बोलते हैं, लेकिन विस्मय को हम कभी व्यवहारिक जीवन में यूज नहीं करते। तो यहाँ तत्सम शब्द विस्मय है। ऐसे ही अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो हम ऑप्शन को देखेंगे। अंगूठा, ये हम व्यवहारिक जीवन में बोलने के लिए यूज करते हैं। उष्मा का भी हम बोलते हैं, वरिष्ठ भी बोलते हैं, लेकिन मुमुच कभी नहीं बोलते। तो ये है इसका आंसर, मुमुच। अगला, पलंग शब्द का तत्सम रूप है। पलंग शब्द का तत्सम रूप देखने के लिए, पलंग एक तद्भव शब्द है, तो इसके तत्सम रूप देखेंगे जो हम यूज नहीं करते हैं। पलंगा हम व्यवहारिक जीवन में यूज करते हैं। पटल, ये भी लगभग कभी ना कभी यूज कर लेते हैं। अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सा हम यूज नहीं करते हैं। ये लगभग पलंग और प्लवंग ये लगभग मिलते हुए शब्द हैं, लेकिन हम देखेंगे संस्कृत शब्द को। ले यहाँ संस्कृत शब्द है पर्यंक, क्योंकि तत्सम शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा पर्यंक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द तद्भव है। अब देखेंगे जो शब्द हम व्यवहारिक जीवन में यूज करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे दिन का तद्भव शब्द दिवस होता है, अंधकार का तद्भव शब्द अंधेरा होता है, स्कंद का तद्भव शब्द कंधा होता है, लेकिन कपास का तद्भव शब्द कर्पास होता है, इसीलिए इसका आंसर कपास होगा। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। तो इसका तत्सम रूप होगा, माफ करिए, यहाँ इसकी जगह अछोट होगा, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, कार्य शब्द का तद्भव रूप है। तो इसका आंसर होगा आकाज। अगला क्वेश्चन, टकसाल का तत्सम रूप है। तो इस आंसर है टंकशाला। इनमें से तत्सम रूप है। अब इनमें से देखेंगे कि हम कौन से व्यवहारिक जीवन में शब्द यूज नहीं करते हैं। तो भैंस को हम यूज करते हैं, बारे को भी यूज करते हैं, सच को भी यूज करते हैं। यहाँ पात शब्द को हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए
इसमें तत्सम रूप पाद हुआ। अगला क्वेश्चन है गोबर का तत्सम रूप, तो इसका तत्सम रूप होगा गोमय। देवर का तत्सम शब्द है तो इसका है दीवर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। अब हम देखेंगे कौन सा शब्द हम व्यवहारिक जीवन में यूज नहीं करते हैं, वही इसका आंसर होगा तुरंत। ये हम व्यवहारिक जीवन में यूज करते हैं आज, ये भी यूज करते हैं धीरज, ये भी यूज करते हैं घर पर, हम व्यवहारिक जीवन में यूज नहीं करते, इसलिए यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो इसका आंसर होगा बी दही दही। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो इसका आंसर होगा कपाट कपड़ा। कपड़ा का शब्द तत्सम शब्द करपट होता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो यह है तीर्थ। अगला क्वेश्चन, अंगीठी का तत्सम शब्द है, तो यह है अग्निष्टिका। तो ये थे तत्सम तद्भव के क्वेश्चन। अब ये कुछ लिस्ट है तत्सम तद्भव की, इसको बोलने में टाइम लगेगा, इसलिए PDF डाउनलोड कर लिए और इस लिस्ट को देख लीजिएगा।